इंस्टेंट ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा आपको यहां विद इन 2 मिनट लोन मिलने वाला है दोस्तों। केवाईसी भी वेरिफिकेशन होगा आपका, लेकिन वो भी ऑनलाइन। किस तरीके से आपको मिलेगा, इसके पूरी की पूरी डिटेल्स क्या है, आज के हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल आपको देंगे कि किस तरीके से आप इस बैंक से विद इन मिनट यहां आपको क्विक अप्रूवल मिल जाता है आपके पर्सनल लोन के लिए। इंस्टेंट ऑनलाइन प्रोसेस है यहां से अप्लाई करने के लिए, और वीडियो केवाईसी के थ्रू आप अपने लोन एप्लीकेशन को यहां कंप्लीट कर पाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इंडसइंड बैंक एक प्राइवेट बैंक है जो कि पर्सनल लोन ही नहीं बल्कि बहुत तरीके के लोन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं इसके पर्सनल लोन के सारे के सारे जितने भी डिटेल्स हैं, इसके जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में, साथ ही अब किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो चलिए फटाफट सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ स्पेशल यहां फीचर्स के बारे में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या है। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि हमें अपने डिटेल्स यहां पे डालने हैं। फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने डिटेल्स यहां पे डालते हैं, उसके बाद से आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको यहां लोन का ऑफर शो करता है नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो यहां बैंक के साथ एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ता है, और लास्ट स्टेप की यहां पे बात करें तो आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है यहां पे, और ऑटो रीपेमेंट ऑप्शन आपको सेट करना पड़ता है जिससे कि आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली बिना आपके भूले बैंक को रीपे हो जाए, जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई भी चार्जेज या पेनल्टी न देना पड़े। सो आगे अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही ईजी है, यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्लेक्सी पर्सनल लोन टेनर, यहां पे 1 साल से लेके 5 साल तक के लोन के लिए किसी भी टाइम के टेनर के लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अदर फीचर्स की, तो यहां पे आपको डोर स्टेप सर्विस भी मिलती है। जी हां दोस्तों, अगर इंडसइंड बैंक की फैसिलिटी आपके आसपास के किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर शहर में आप रहते हैं और वहां आसपास इंडसइंड बैंक है, तो इजीली आपको डोर स्टेप सर्विस यहां मिल जाएगी। घर पे आके बैंक आपको लोन देने का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा। आप यहां आगे देख सकते हैं जो उसका इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, तो जनरली जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे काफी इसका कम है। इसके बाद से किसी भी तरीके की कोलैटरल यहां पे या किसी भी तरीके का आपको गारंटर की जरूरत यहां पे नहीं पड़ती। तो आगे हम बात करते हैं पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी बैंक ने डिसाइड कर रखा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो मिनिमम एज है 21 इयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो आपका रिटायरमेंट एज या आप जो है कि 60 एज, इसमें से जो भी कम हो वो आपका यहां पे होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं मिनिमम जो नेट मंथली आपकी इनकम है वो 25,000 होनी चाहिए यहां पे। साथ ही साथ यहां पे आप जो भी सर्विस कर रहे हैं दोस्तों, जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें कम से कम आप 2 साल से वो काम कर रहे हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। साथ ही जो इसका करेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आप पिछले कम से कम 1 साल से जॉब कर रहे हो। इसके साथ साथ आगे आप यहां पे देख सकते हैं जहां भी आपका जो भी रेसिडेंस है, अगर रेंटेड है तो कम से कम आप वहां पिछले 1 साल से रेंट पे रह रहे हो, तो इसका भी प्रूफ आपको बैंक को यहां पे देना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, तो सबसे पहले तो आपको यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही आपको फोटोग्राफ्स यहां पे लगता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहां किसी एक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको यहां पे जमा करनी पड़ती है, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार या पैन कार्ड। अगर केवाईसी की हम बात करें तो यहां पे कोई भी वैलिड आइडेंटिटी, रेसिडेंट, सिग्नेचर प्रूफ आपको यहां पे देने पड़ते हैं। साथ ही अगर इनकम की बात करें, इनकम प्रूफ में आपको या तो फॉर्म 16 दे सकते हैं आप या ITR दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स का। उसके बाद से अगर हम यहां पे आप देख सकते हैं दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है इनकम के लिए, वो आपका लेटेस्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप भी यहां पे आपको देना पड़ेगा। बैंकिंग की अगर बात करें, बैंक जो आपका बैंक के थ्रू अगर आपके इनकम वेरिफिकेशन की बात करें, तो यहां आपको लास्ट 3 मंथ का जो भी सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहां पे मिनिमम देखिए देख सकते हैं आप 2021-22 की अगर हम बात करें, तो यहां पे लगा हुआ आपका इंटरेस्ट रेट मिनिमम है वो
10.49% और मैक्सिमम आपका 29.50% तक का इंटरेस्ट रेट यहां लिया गया है लोगों से। साथ ही अगर इसके एवरेज की हम बात करें तो यहां पे एवरेज ऑन एन एवरेज आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15.68 का यहां पे पड़ा हुआ है, मींस ऑन एन एवरेज आपको भी लगभग इसी के आसपास इंटरेस्ट रेट में यहां से लोन मिल सकता है। आगे आप देख सकते हैं एनुअल परसेंटेज रेट की अगर बात करें यहां पे तो 10.49% मिनिमम है और मैक्सिमम आपका यहां पे चला गया है 31.50%। यहां से आप 30,000 से लेके 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके प्रोसेसिंग फी की अगर बात करें तो अप टू 3% हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपका 1% से लेके आपका 3% तक यहां किसी भी परसेंटेज में आपका प्रोसेसिंग फी बैंक के द्वारा लिया जा सकता है एज पर योर एलिजिबिलिटी। स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट, जैसे कि इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, 10.49% से यहां आपका स्टार्ट हो जा रहा है। दोस्तों अगर हम इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करें तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से जाके आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के लिए, या आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं IndusInd.com और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और वहां से आप पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे जाते हैं जहां से आपको नीचे अप्लाई नाउ का यहां पे देख सकते हैं आपका एक बटन दिखाई देगा, ये रहा, और यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आगे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरी डिटेल में यहां पे बता देता हूं कि किस तरीके से आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहां पे अपना जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो डालने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑफर्स आपके लिए आते हैं, उसके बाद से आपको एप्लीकेशन यहां पे कंप्लीट करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद से, और साथ ही उसके बाद से ई मैंडेट करते हैं आप वहां पे। मैंडेट मींस आपका जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। ये सारा सारा प्रोसेस करने के बाद से आपके अकाउंट में जो पर्सनल लोन का अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो चलिए आप फटाफट बताते हैं कि लोन एप्लीकेशन आगे किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहां पे अपना पैन नंबर डालना होता है, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना होता है, उसके बाद से आपका ईमेल आईडी और जो करेंट जहां पे आप रिसाइड कर रहे हैं, करेंटली जहां पे रह रहे हैं वहां का पिन कोड आपको डालना होता है। ये दोनों ऑप्शन आपको यहां पे चेक करने होते हैं, उसके बाद से वेरीफाई मोबाइल नंबर नीचे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहां पे आपको क्लिक कर देना होता है और अपने नंबर को आपको ओटीपी के थ्रू यहां पे वेरीफाई करना होता है, फिर आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। तो चलिए फटाफट हम इसको करके वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देते हैं। यहां पे आपको अपना ओटीपी डालना है और ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया ओटीपी डालने के बाद से फ्रेंड्स, अब आगे यहां पे आपको कुछ और डिटेल्स डालने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से आपके कुछ डिटेल्स जो आगे हम पहले ही फिल कर चुके हैं वो यहां पे शो कर रहे हैं, लेकिन आगे आपको अपना जेंडर यहां पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ डालना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है, नेट मंथली इनकम, और साथ ही आपको यह भी सेलेक्ट करना है कि क्या इंडसइंड बैंक से यहां आपको किसी ने लोन लेने में हेल्प यहां पे की है, क्या आपको किसी ने मदद की है, ये आपको सेलेक्ट करना है, यस या नो। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम अपना जेंडर यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर हमने मेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से हमारा डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर लिया यहां पे, आगे हमने एम्प्लॉयमेंट टाइप यहां पे सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं आप हाउस पर्सन हैं, रिटायर्ड हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं यहां पे, या स्टूडेंट हैं। तो हमने यहां पे सैलरीड सेलेक्ट कर लिया, अभी मैं चूंकि जॉब कर रहा हूं। नेट मंथली इनकम आपकी आप देख सकते हैं उसका रेंज दिया हुआ यहां पे, अप टू 15,000 है, 15,001 से लेकर 25,000 है, या 25,001 से लेकर 50,000 है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको लोन मिलने में तभी आसानी हो सकती है जबकि आप इस वाले रेंज को सेलेक्ट करते हैं 25,000 टू 50,000। सो फटाफट मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहां आगे हमने यस या नो में आप कर सकते हैं, हमने नो यहां पे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें किसी से भी यहां पे असिस्ट नहीं मिला है, हेल्प नहीं मिला है। आई ऑथराइज को आप टिक करने के बाद से नेक्स्ट पे यहां पे क्लिक कर देते हैं। सो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। अब आपके आप देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है एक मैसेज क्लैश होकर आ रहा है कि वी थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनेबल टू ऑफर यू अ पर्सनल लोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट आवर कस्टमर केयर। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे किसी भी तरह का पर्सनल लोन ऑफर नहीं हो रहा है ऑनलाइन, लेकिन आगे हमारा चूंकि किस लिए हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुआ है, इसके लिए एक यहां पे नंबर हमें दिया जा रहा है टोल फ्री नंबर, यहां पे कॉल करके हम पता कर सकते हैं कि आखिर हमें ऑनलाइन जो लोन का एप्लीकेशन है वो क्यों नहीं कंप्लीट कराया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है,
क्या हमें यहां पे लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा लोन एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपने एड्रेस में पिन कोड डाला था उस पिन कोड में ये बैंक अवेलेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक हमारे आसपास कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर ये बैंक हमारे आसपास कहीं भी अवेलेबल होता तो नेक्स्ट स्टेप में हमें आगे कुछ और डिटेल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो फॉलो करने हैं आपको, और फॉलो करने के बाद से फाइनली आपको जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक में आसानी से आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास इंडसइंड बैंक का ब्रांच होना चाहिए दोस्तों। सो ये रही आज की पूरी डिटेल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।